दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे लता वाले प्लांट, वाइन वाले प्लांट, क्रीपर वाइन के बारे में बात करूंगी कि इस रैली सीजन में आप अपने यहाँ इन प्लांट को अगर लगाते हैं तो ये वाइन वाले प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं। क्योंकि ये दोस्तों, ये प्लांट जो होते हैं, इनको ज़्यादा खाना और ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, साथ ही ह्यूमिडिटी अगर इनके आसपास अच्छी होती है तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं। तो मैं आज आपसे 15 तरह के जो हैं फ्लावरिंग और जो फॉलीज वाली वाइन होती हैं उनके बारे में बात करूँगी, उनके नाम बताऊँगी और कुछ उनकी केयर टिप्स बताऊंगी। तो उससे पहले देखिए, एक्जोरा की फ्लावरिंग देखिए आप, हर बर्ड जो स्टेम है उस पर फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सुंदर एक्जोरा में मेरे इस समय फ्लावरिंग चल रही है। इन प्लांट को, जो ये वाइन वाले प्लांट हैं, इनको देखिए, अगर वैसे तो आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में ग्रो करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अगर ज़मीन नहीं है तो आप जो है इसके लिए बड़ा पॉट लें और बेल्ट्रेन सॉइल लें, क्योंकि काफ़ी अच्छी मात्रा में इसको सॉइल चाहिए होती है। उसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में मिलाएं, यानी कि कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलानी है जिससे कि ये ग्रोथ अच्छी कर सकें। ये देखिए, मेरे वाइट गुड़हल में जो ये देसी वाली वेराइटी है, कितने सुंदर फूल खिलने लग गए हैं। जो हम इस सीजन में ग्रो कर सकते हैं वाइन वाला प्लांट, यह है मधुमालती का प्लांट। इसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं, झुमका बेल भी कहते हैं और ये बहुत आसानी से चल जाती है। ये प्लांट जो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है, रुक रुक कर। विंटर में इसमें बिल्कुल ये छोटे से पत्ते झड़ जाते हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है। इसकी आप जैसे गुड़हल की कटिंग लगाते हैं वैसी कटिंग लगाएँ। और देखिए, मेरी जो आपको इतनी बड़ी बेल दिख रही है, ये गेट के ऊपर जो हमने लगा रखी है, ये मैंने कटिंग से ही रखी बेल है। तो इस प्लांट को अगर आपके पास बालकनी वगैरह है तो वहाँ पर कोई छोटा बड़ा सा कंटेनर में जो है आप इसे ग्रो कर सकते हैं और ये ऊपर को चढ़ जाती है, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर। इसके फूलों से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और साथ ही आपको एक टाइम पर इस पर 3 तरह के फ्लावर दिखते हैं, एक जो है हल्के से पिंक, एक थोड़े ज़्यादा पिंक रेड टाइप के और दूसरे वाइट होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ये अपराजिता है। आजकल ये लोग जो है इसको शुभ मानने के उससे भी बहुत लगाते हैं और उसके अलावा जो है ये प्लांट जहाँ पर रहता है वहाँ पर इसकी जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और इसमें जो है बहुत ही आसान है इसको चलाना। इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके जो जितने भी इसमें जो फ्लावर्स होते हैं उसके बाद सीड्स बनते हैं आपके। अगर ये इसके प्लांट नहीं हैं तो जहाँ जिन लोगों के पास बड़े बड़े आपने ये प्लांट देखे हों उनके वहाँ देखिएगा, आप नीचे बहुत सारे प्लांट गिरे होंगे बारिश के मौसम में, तो वहाँ से प्लांट ला सकते हैं। साथ ही इसकी थोड़ी मोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये 3 कलर में मिलता है, एक वाइट, एक ब्लू और एक पिंक। तो ज़्यादा कॉमन कलर जो होते हैं वो वाइट और ब्लू हैं इस पर। ये देखिए, ब्लू कलर का फ्लावर है और ये फली बनी हुई है। इस फली को हमने हटाना है जिससे कि हमारे इसमें फ्लावरिंग लगातार होती रहे। हमारे यहाँ आज सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई है तो ये मैंने जो है, ये देखिए मेरे पास डबल पेटल वाला है, डबल पेटल, और ये जो है इसी में साथ ही मैंने वाइट भी ग्रो कर रखा है एक साथ। दोस्तों, नेक्स्ट जो है ये ट्रम्पेट वाइन है। ट्रम्पेट वाइन जो है ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसका जो पार्ट भी ज़मीन के संपर्क में आता है उसमें रूट्स आ जाती हैं, तो इस बारिश के मौसम में ही बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो इसकी आप छोटी कटिंग लगाइए तब भी लग जाती है, थोड़ी सी जिसमें नोट्स एरिया होनी चाहिए क्योंकि बारिश के मौसम में उनमें रूट्स निकली होती हैं। आप उनको ज़मीन में मिट्टी के संपर्क में रखेंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेती है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत वाइन है, इसको ज़रूर लगाना चाहिए हमने। ट्रम्पेट वाइन, ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन के लगा सकते हैं। पॉट में आसानी से चल जाने वाली वाइन है, ये है अलमंडा वाइन। अलमंडा फ्लावरिंग वाइन जो होती है ये पॉट में आप बहुत ही आसानी से चल जाती है। इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है और ये प्लांट भी आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। येलो कलर की फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर और इसमें रेड कलर भी आता है, तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं। पर येलो कलर कॉमनली हर नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए समर से लेके अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करने वाला ये जो वाइन का प्लांट है, ये है मॉर्निंग ग्लोरी का। मॉर्निंग ग्लोरी का जो है प्लांट बहुत ही आसानी से जो है ग्रो भी हो जाता है। इसके सीड्स, जितने भी फ्लावर्स होते हैं सब पर सीड्स बनते हैं। दूसरा जो है, इस प्लांट को भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी जो नोड एरिया को आप मिट्टी में डालिए, कुछ दिन जो है इसकी थोड़ी मोटी मोटी जो है स्टेम लेकर उनको पानी में डाल दीजिए, फिर उनको जो है मिट्टी में शिफ्ट करिए तो ये प्लांट भी कटिंग से भी चल जाता है। तो इसके फ्लावर्स सुबह खिलते हैं, अक्सर इसमें पिंक और जो है ब्लू कलर के फ्लावर्स देखे गए हैं।
नेस्ट फ्लावरिंग के लिए बहुत ही प्यारी सी वाइन है साइप्रस वाइन। इसके देखिए एक बार कई बार तो क्या है इसके प्लांट खुद ही उग जाते हैं, कभी कोई चिड़िया वगैरह वीट करती है उससे भी इसके फ्लावर्स मैंने देखे हैं कि उग जाते हैं। मेरे गार्डन में खुद ही आया था ये, तो एक बार आने के बाद जो है इसके सीड्स गिरते हैं और बहुत सारे प्लांट आपको रेनी सीजन के आसपास या समर आने पर जो है आपके गार्डन में आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो मैंने तो इसको फिर भी ग्रो भी किया था, तो ये वाइन जो है बहुत छोटे कंटेनर में भी आप चला सकते हैं और ज़्यादा इसके लिए ट्रेलिंग कर दीजिए तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा स्पेस ये मांग नहीं सकती है, मांगती नहीं है। बालकनी वालों के लिए भी, जिनमें जो बालकनी गार्डनिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वाइन बहुत अच्छी है। ये देखिए मेरे गार्डन में अभी भी इसके छोटे छोटे प्लांट रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए आप वाइन वाला प्लांट लगा सकते हैं, ये है बोगनवेलिया का प्लांट है। अगर आप इसकी क्रोनिंग वगैरह नहीं करेंगे, हार्ड क्रोनिंग नहीं करेंगे, तो ये झाड़ीनुमा पूरी बेर बन जाती है और आप इसको क्रोनिंग करके बूसी लुक देके चाहेंगे तो पॉट में लगाते हैं तो बूसी लुक देना ही इसको ठीक रहता है। तो इसको भी आप इस समय ऐड कर सकते हैं, इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी ये बहुत आसानी से चल जाता है। ये देखिए मेरे टेरेस पर जो है ये सनफ्लावर कितनी अच्छी तरह खिल रहे हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े सनफ्लावर हैं, ये देखिए। और ये लगा है इस तरह के वेस्ट मटेरियल में, मैंने बोगनवेलिया की ये पाइन के रूप में लगाने के लिए इस तरह से भी तैयार कर रखा है। नेक्स्ट वाइन प्लांट के रूप में हम ग्रो कर सकते हैं, ये है मोगरे का प्लांट। इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू भी है और साथ ही आसानी से हमको मिल भी जाता है और छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है इसकी। इसको आप चाहे तो बुशी लुक दें और चाहे तो इसको आप बहुत अच्छी बेल बना सकते हैं। इस तरह से बंचेज में इसमें कलियां आती हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ये देखिए ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट जो है इसके लिए बहुत बड़े पॉट्स के नहीं चाहिए होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में कटिंग इसकी बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। इनको चाहे तो आप वाइन का रूप दें, चाहे तो इनको बुशी लुक दें, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पूरे समर भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है उस समय ये कम फ्लावरिंग करते हैं, पर जैसे ही टेम्परेचर जो है थोड़ा सा अनुकूल होने लग जाता है इनके, तो ये बहुत अच्छी सी इनमें देखिए कितनी सुंदर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसके अंदर। ये प्लांट मैंने पॉट में लगाकर बुशी लुक दे रखा है और ये वाला मेरा जमीन में लगा हुआ वाइन वाला प्लांट है। ये फायर फ्लेम वाइन है। ये वाइन समर में फ्लावरिंग नहीं करती है पर परमानेंट वाइन होती है और इस समय लगाने से इसमें अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। इसको लगाइए, ऊपर से पिंचिंग करिए इसकी, तो ये बुशी लुक हो जाएगा। ये जो है जिस समय सीजन में हमारे यहाँ कोई फ्लावरिंग नहीं दिखती, हमको ज़्यादा वाइन वाले प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, उस समय ये फ्लावरिंग करता है। तो इस प्लांट को अभी आप लगाएंगे, एयर लेयरिंग के माध्यम से भी ये प्लांट लग जाता है, यानी कि इसकी जो रूट जो स्टेम जो है ज़मीन के संपर्क में आती उनमें रूट्स आ गई होती है, तो उनको वहाँ से कट करके भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस समय इसको लगाना ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि इसमें ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अच्छी होने से जो है सर्दियों में बहुत सारी इसमें जो है स्टेम होंगी तो उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगी। इसमें ऑरेंज कलर की बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और बेतहासा हजारों की संख्या के अंदर फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर। तो इस वाइन को हमने अभी ऐड कर लेना है। अभी मैंने आपको 10 के करीब जो है फ्लावरिंग वाइन के नाम बताए, जिनमें फ्लावरिंग होती हैं उन वाली बेलों के नाम बताए। अब मैं आपको ऐसे प्लांट के नाम बताती हूँ जिनको हम उनके फॉलेज के लगाते हैं पर वो भी बेलनुमा होते हैं। दोस्तों इस अभी जो रेनी सीजन है इसके अंदर अपने यहाँ पान की बेल आप ज़रूर लगा लें। पान की बेल देखिए शुभ भी मानी जाती है, इसकी बहुत अच्छी है जो है मेडिसिनल प्लांट भी है और इसको लगा के बहुत ही खूबसूरती भी बढ़ती है। तो इसमें भी जैसे मनी प्लांट के लिए आप लगाते हैं इसी तरह से स्टिक बनाकर आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन ही हो और उसी में अच्छी ग्रोथ करें। अब मेरे पान के बेल जो बेल है इसके आप पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, देखिए आप बहुत ही अच्छी ये बेल हो रही है मेरी और मैंने इसको घर में ही बनाई हुई स्टिक पर जो है चढ़ा रखा है। तो इस समय आप कटिंग से लगाइए, नर्सरी में इसका प्लांट जो है 30 रुपये से लेकर 50 रुपये की रेंज में आपको आसानी से मिल भी जाएगा। फॉलियज के लिए नेक्स्ट आप प्लांट ऐड कर सकते हैं इस समय जो है, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसको आप चढ़ाइए, बहुत अच्छे से चढ़ जाती है क्योंकि रेनी सीजन में इसको भरपूर मात्रा में जो है पानी मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है और ये प्लांट जो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इस प्लांट को भी हम इसमें जो है फ्लावरिंग भी होती है पर ज़्यादातर इसके पत्तों की खूबसूरती के कारण इस प्लांट को लगाया जाता है।
मनी प्लांट तो वैसे हर कोई लगाता है, पर इस समय आप मनी प्लांट लगाइए तो वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। उसको बारिश का पानी भरपूर मात्रा में दीजिए और दिन की जो तेज़ धूप पड़ती है उससे बचाइए, तो आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेगा। ऊपर से इसको पिंच करते रहिए, तो आप चाहे तो इस तरह से लगाइए कि जो इसको स्टिक में चढ़ाइए, या आपका चढ़ाने की जगह है तो दीवार की साइड कोई पेड़ पर चढ़ा दीजिए, उस पर भी ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर देता है बहुत तेज़। बड़े बड़े मेरे जो पीछे साइड मैंने अमरूद के पेड़ के नीचे रख रखा है, ये देखिए इसके कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, देखिए आप बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्ते हैं इनमें। तो इनको अगर इस तरह से कोई ऐसा सहारा मिलता है कि जिस पर ये आसानी से चढ़ जाए और अपना भोजन ले सके, तो इसके लीफ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं इनके लीफ, देखिए आप। अरेबियन वैक्स आईबी का प्लांट है ये। प्लांट जो है आप हैंगिंग बास्केट में लटका के डालेंगे रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो इसकी भी छोटी छोटी कटिंग से आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं, तो इसका फॉलिएज भी बहुत ही खूबसूरत है। इस समय हम अगर इंग्लिश आईबी का प्लांट लगाएंगे, क्योंकि समर में इसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर इसका डोरमेंसी होता है, तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाएगी। इसकी आप लगाइए, प्लांट जो है नर्सरी में 30 रुपये से लेकर 50 रुपये की रेंज में आपको आसानी से मिल जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो खाली ऐसे ही हुआ रहता है, वहाँ तो जहाँ से तोड़िए आप खूब बहुत ही फैला हुआ होता है ये प्लांट, पर जो जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं वहाँ पर ये प्लांट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और इसमें जो है ऊपर से पिंचिंग करके इसको भूसी बना सकते हैं। इसके अलावा फाइलोडेंड्रोन के जो प्लांट होते हैं वो भी जो है जैसे मनी प्लांट के जो है ये प्लांट ग्रोथ करते हैं वैसे ही ग्रोथ करते हैं, तो उनको भी आप इस समय अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको 15 के करीब जो है फ्लावरिंग और फॉलेज वाली जो है बेले हैं उनके नाम बताए, कुछ उनकी केयर टिप्स बताए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मेरे इस जो विंडो है इस पर देखिए मैंने किस तरह से जो है अपने प्लांट अरेंज कर रखे हैं। कुछ मेरे DIY प्लांटर हैं और कुछ मैं जो है कैलेडियम के प्लांट जो हैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।